दोस्तों गुड टाइम सी दोस्तों, आज हम सीखेंगे आईडी को कैसे लगाते हैं, किसी नए बंदे की ज्वाइनिंग आईएमसी में अपनी टीम में कैसे करवाना है वो भी आप इस वीडियो में सीख सकते हो। दोस्तों आईडी लगाने से पहले आपके पास उसका फ़ोटो, उसका आईडी प्रूफ, उसका एड्रेस प्रूफ, उसके मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि आईडी लगाने के बाद आपको उनके डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करने हैं, नहीं तो आईडी अपने आप हट जाएगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईएमसी ऐप को खोलना है। ये मैंने अपने ऐप को खोल लिया है। ऐप खोलने के बाद आपको आईएमसी का मेन्यू खोलना है। थोड़ा समय ले रहा है ये दोस्तों। ये इसका मेन्यू है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे फिर अदर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा डू यू हैव पिन, यहाँ पे आपको नो क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये जो आईडी आप बना रहे हो किसकी टीम में जाना चाहिए। अगर आपको अपनी टीम में डालना है तो यहाँ पे आप अपना आईडी नंबर डालें। आप नेम पे क्लिक करोगे तो आपको इस आईडी का नेम भी दिखाई देगा। अगर नाम सही है तो आप नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे नाम डालना है बंदे का। यहाँ पे उसका पैन नंबर डालना है। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों पैन नंबर ज़रूर डालें, और अगर पैन नंबर नहीं है तो अप्लाई करा के उसे अप्लाई करा दें। पैन नंबर बाद में अपडेट हो सकता है, यहाँ मैं पैन नंबर नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट करना है दोस्तों। नेक्स्ट किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है यस आई हैव पिन कोड, यानी आपके पास पिन कोड है एड्रेस का। अगर नहीं है तो रेड बटन पे क्लिक करना है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है। पिन कोड आपने यस पे क्लिक किया, आपके सामने ऑप्शन एक बॉक्स खुलने वाला है। इस बॉक्स में आपको डालना है पिन कोड, जिस भी बंदे का आप आईडी लगा रहे हो उसका पिन कोड यहाँ पे आएगा। सिटी में आपको जो उसका एरिया है वो क्लिक करना है। एड्रेस डालना है। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर डाल दिया आपने। फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद आपको इसमें डालना है नॉमिनी नेम। नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो। आपको फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपके सामने पूछेगा एंटर बैंक आईएफसी कोड। यहाँ पे अगर आपके पास बंदे का बैंक डिटेल्स अवेलेबल है तो अभी कर दो, वरना वो बाद में भी हो सकता है। यहाँ मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। नो क्लिक किया आपने।
दोस्तों सर्वर के हिसाब से स्पीड कभी कभी स्लो हो जाती है, क्योंकि लाखों लोग हर समय आईडी लगाते रहते हैं, तो स्पीड का इशू आ सकता है। नो किया तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही उस बंदे के पास उसके फ़ोन पे IMC का मैसेज आएगा, वेलकम मैसेज आएगा, उसमें उसका आईडी नंबर और आईडी का पासवर्ड भी साथ में उसके रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको भी दिखाई देगी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसका नाम, नए बंदे का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर और आईडी नंबर और पासवर्ड भी आपको दिखाई देगा। ये जो आईडी नंबर है दोस्तों, ये आईडी नंबर पे अब आपको डालना है डॉक्यूमेंट, वरना ये आईडी अभी सही तरह से लगी नहीं है। आईडी के लिए आप इसे कॉपी करो, हल्का सा नीचे करोगे, हल्का सा नीचे, तो ये डॉक्यूमेंट आएगा। वापस देखो, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है, और यहाँ पे उसका आईडी नंबर आपको पेस्ट करना है, कि आप वैसे भी डाल सकते हो, या तो आईडी आप याद कर लो या कॉपी कर लो। यहाँ गए, डॉक्यूमेंट में गए, वापस से पेस्ट किया, वेरीफाई पे क्लिक किया। दोस्तों फ़ोटो के लिए आपको बंदे का फ़ोटो और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये तीन चीज़ डालना ज़रूरी है, वरना आईडी हट जाएगी। सबसे पहले अपन डालेंगे फ़ोटो। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपकी फ़ोटो गैलरी में है तो गैलरी से, या आपकी फ़ोटो अगर कैमरे में है तो कैमरे में। फ़ोटो ऐसे उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड अपलोड करनी है यहाँ से। और इसी तरीके से आपको बाकी दोनों डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, ये तीनों चीज़ भरी हुई होनी चाहिए। इसी तरह से आप आईडी प्रूफ करोगे, इसी प्रूफ से आप एड्रेस प्रूफ करोगे, ये दोस्तों तीनों चीज़ में डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है, वरना आपकी आईडी हट जाएगी। दोस्तों जो नई आईडी बनी है उसको आप देख सकते हो, वापस आप अपनी आईडी खोलोगे, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, मेन्यू पे क्लिक करोगे, आप वापस मेन्यू पे क्लिक करोगे, डाउनलाइन, आपने जो नई आईडी बनाई है वो आप मेन्यू पे क्लिक करके डाउनलाइन पे जाके डायरेक्ट डाउनलाइन में चेक कर सकते हो। या आपने अगर किसी और की टीम में वो लगा दी आईडी, तो आप ऑप्शन मेन्यू डाउनलाइन, डाउनलाइन सर्च में जाके जो नया आईडी नंबर बंदे के पास गया है वो आप उसमें डाल करके सर्च भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपके मन में कोई कोई डाउट, कोई सवाल हो इस वीडियो के संबंधित, या नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो के लास्ट में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर फ़ोन करके समझ सकते हो। गुड IMC।